हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। चेहरे पर चमक और प्यारी मुस्कान से उनका चेहरा याद आता है। जब जिक्र हो यारों के यार की तो उनका नाम सामने आता है और उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें याद किया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरी भाई जरीवाला की। कौन हरी भाई? बॉलीवुड के धुलंधर कलाकार संजीव कुमार, लेकिन हमने इन्हें संजीव कुमार के नाम से ही जाना है। वैसे तो इनसे जुड़ी कई सारी बातें हैं जिसके बारे में अगर हम बात करने बैठे तो काफ़ी लंबा वक्त निकल जाएगा, पर उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर हम उनसे जुड़ी कुछ चुनिंदा और दिलचस्प बातें आपको बताएंगे। क्या आपको पता है संजीव कुमार ने शादी नहीं की और वो जिंदगी भर कुंवारे रहे। भाई ऐसा करने के पीछे कहा जाता है कि संजीव कुमार को ऐसा लगता था कि उनके परिवार पर कोई अभिशाप है, जिसके वजह से उनके घर का कोई भी मर्द 50 साल की उम्र से अधिक नहीं जी सका। वैसा हुआ भी था। इनके दो भाई और फिर इनके पिता का निधन 50 साल की उम्र से पहले हो गया और संजीव कुमार के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। 47 साल के कम उम्र में ही संजीव कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। साथ ही ये भी बातें सामने आई कि हेमा मालिनी ने उनके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, जिस वजह से उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और असल वजह क्या रही है ये तो सिर्फ वही जानते हैं, और ये राज उनके साथ ही चला गया। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के बाद एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित के साथ उनके नजदीकियों के चर्चे हुए। कहा ये भी गया कि सुलक्षणा ने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, पर संजीव नहीं माने। और ये भी बातें सामने आई कि उन्होंने इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि उनका 50 साल की उम्र से कम में चले जाने का डर बताया था। ये बात उन्होंने गुलजार से खुद कही थी। वैसे तो जया बच्चन के साथ उन्होंने काफी रोल प्ले किए। जब जया को उन्होंने वास्तविक जीवन में अपनी बहन बनाया तब उन्होंने जया के साथ कभी जोड़ी नहीं बनाई। उन्होंने इस रिश्ते को इतने दिल से निभाया और साथ ही वो अपनी बहन को लेकर काफी प्रोटेक्टिव थे। अब इससे जुड़ी एक कहानी भी है, चलिए आपको बताते हैं। गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म मौसम कल्ट क्लासिक कैटेगरी में आती है। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार लीड रोल में थे, लेकिन शर्मिला टैगोर के डबल रोल के लिए गुलजार जया को लेना चाहते थे और जया भी इस रोल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, पर संजीव नहीं चाहते थे कि जया ये रोल करे और उन्होंने ऐसा होने भी नहीं दिया। इसके पीछे की वजह थी कि जया तब प्रेग्नेंट थी और उस फिल्म में उन्हें एक प्रोस्टिट्यूट का रोल करना था, जिसकी वजह से संजीव ने उन्हें समझाया कि ऐसे वक्त में उनका ऐसा रोल करना सही नहीं है। फिर क्या, जया उनकी ये बात मान गई और इस रोल को शर्मिला टैगोर ने प्ले किया। इस इंसिडेंट से तो ये साफ है कि संजीव अपने रिश्तों को बखूबी निभाते थे और यही वजह रही कि संजीव कुमार के दोस्त बहुत थे। फिल्म इंडस्ट्री से उनके सबसे करीब दोस्त राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, तनुजा, देवन वर्मा, शिवाजी गणेश और बी नारगी रेड्डी थे। अपने जूनियर्स के बीच अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सचिन पिलगवाकर और अभिनेत्री सारिका के बहुत अच्छे दोस्त थे।
संजीव कुमार तो नहीं रहे, पर उनकी ये जिंदा दिली की कहानी और उनका शानदार अभिनय हमेशा हमारी यादों में बसा रहेगा। वहीं अब आपको बता दें कि संजीव कुमार जी के जन्म दिवस के इस खास मौके पर उनकी बुक संजीव एक्टर वी लव्ड लॉन्च हुई है, जिस मौके पर बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर मौजूद थे। क्या कुछ कहा अनिल कपूर ने, देखिए पूरी बात। हम पांच, सो माय जर्नी स्टार्टेड विद हरि भाई अर्लियर बिकॉज आई हैड सीन हिज अर्लियर फिल्म्स एंड बिकम हिज ह्यूज फैन। आई सॉ द फर्स्ट टाइम आई रियली सॉ हिम वाज ऑन इन अ फिल्म कॉल्ड संघर्ष वेयर इट वाज स्टारिंग दिलीप कुमार साहब एंड एज अ यंगस्टर आई वेंट टू सी द फिल्म एंड वी वेंट टू सी द दिलीप कुमार फिल्म एंड सम And somewhere when we came out of the film, we said, who's this actor? And it is there in the book where Dilip Kumar also says, Yusuf Saab, the great Yusuf Saab, the emperor of emperors, the greatest actor India has ever seen, saying, who's this boy? Who's this great actor? And that was Sanjeev Kumar. And that's what I think the entire, what he felt, every cinegoer all over the world who saw him on screen in Sangharsh felt the same thing, that this young person is going to be one of the greatest actors of Indian screen. You see, there was Motilal Saab, there was Balraj Sahni, who, you know, there was something, you know, they had realistic approach towards their performances. And then after that, it was Sanjeev Kumar. But Sanjeev Kumar not only got the realistic acting approach to make it all the characters come alive on screen, but he was a huge star also. Why I say huge star? You know, there are actors and there are stars. But he was a star actor, actor star. He was an actor, great actor, and a star also. Now, this is something which is very, 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 you know, you have to be blessed to become.